फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्त्री विशेष में। आज मैं आप सभी के लिए सर दर्द और डिप्रेशन और जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और उससे आपको पूरा फायदा भी मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग माइग्रेन वालों के लिए बताते हैं। सर दोस्तों, माइग्रेन वालों को सर में ऐसा दर्द बन हो जाता है कभी कभी कि वो असहनीय होता है, वो बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग दवाइयाँ भी खाते खाते बोर हो जाते हैं, लेकिन माइग्रेन नहीं सही होता है सर दर्द का। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है या सर में रेगुलर दर्द बना रहता है, वो भी ये नुस्खा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास तो दोस्तों बर्फ़ नहीं था, इसलिए मैंने ये चिल बॉटल लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये चिल्ड है। तो ये चिल वाटर, हम जैसे हमें पानी दिन भर में खूब पीना चाहिए, उसी तरीके से आज ये पानी हमें माइग्रेन से भी निजात दिलाएगा। तो दोस्तों, बर्फ़ वाला पानी ले लें आप लोग एक बाउल में, एक बॉटल। फिर उसके बाद अपने इन दोनों हाथों को उस ठंडे ठंडे पानी में भिगो दें। ऐसा दोस्तों तकरीबन 5 मिनट तक आप लोग करते रहें, हाथों को ऐसे उल्टा कभी सीधा, इस तरीके से 5 मिनट तक पानी में, ठंडे ठंडे पानी में, लेकिन दोस्तों एकदम बर्फ से चिल्ड हो पानी, उसको इसमें रखें। अब इतना भी ना चिल्ड हो कि आपके हाथ ही जम जाए, कि मतलब चिल्ड वाटर हो, ठंडा हो, उसको ऐसे रखे रहें पानी में तकरीबन 5 मिनट तक। देखिएगा, आपको माइग्रेन में बहुत ही रिलैक्स फील होगा, आपको कैसा भी दर्द होगा आपको अच्छा फील होगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने माइग्रेन के ऊपर एक वीडियो बनाई है अपनी, आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं उसका अभी आपको बता देती हूँ, उसमें से एक नुस्खा जो वो आती है दोस्तों, सूखी हुई इमली आती है, उसी को आप लोग अपनी ज़ुबान के नीचे रखे रहें, 2-3 मिनट तक उसको चूसते रहें, उससे भी आपको माइग्रेन में बहुत राहत मिलेगी। अब दोस्तों 5 मिनट बाद अपने हाथों को निकाल लें और टॉवल से पोंछ लें। देखिएगा, आपको माइग्रेन में ऐसा रोज दोस्तों रोज़ करें, रोज़ आप नहीं कर पाएँ किसी कारणवश तो दिन में कम से कम एक बार, एक दिन छोड़ करके ज़रूर करें। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले हर समय, आजकल तो इतना दोस्तों भाग दौड़ हो गया है ज़िंदगी में, हर जगह कंपटीशन, हर जगह सब रहता है, तो डिप्रेशन तो बना ही रहता है। तो उस डिप्रेशन की वजह से दोस्तों हमें नींद भी नहीं आती है, रात रात में सोते नहीं हैं। 8 घंटे की नींद तो लेना दोस्तों ज़रूरी ही होता है आम इंसान के लिए। तो डिप्रेशन के लिए हमारा नुस्खा है इलायची। दोस्तों ये हरी इलायची है, ये हरी इलायची इतनी रामबाण है डिप्रेशन वालों के, डिप्रेशन के लिए, कि हम बता नहीं सकते आपको। इसके अंदर के बीज दोस्तों आप खाना खाने के बाद चबाते रहें, रोज़ डेली एक अपने दांतों के नीचे रख लें और इसको चूसते रहें। और दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको इसका स्वाद नहीं पसंद है, तो दिन में एक बार इलायची पाउडर बना लें इसका, इसके बीजों को पीस लें, या तो सिल पर या तो मिक्सी में। दोस्तों ये छोटे होते हैं इसके बीज, इसलिए इसको मिक्सी में पीसना तो मुश्किल होता है, आप सिल पर इसको महीन पीस लें, इसका पाउडर बना लें, उसके बाद इसको चाय बना कर पिए। और दोस्तों चाय जो है चीनी के साथ नहीं पीनी है, इसको आपको हनी के साथ लेना है। इस चाय को 1 कप पानी लें, उसके बाद उसको खौला लें, फिर उसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें, उसके बाद उसमें हनी डाल लें 1/2 चम्मच, और फिर उसके बाद इसको पिए। देखिएगा आपको डिप्रेशन में बहुत राहत मिलेगी। अगर हो सके दोस्तों तो चाय की जगह पे आप यही लिया करें, दूध की चाय से अच्छा होगा ये, और आपको डिप्रेशन में भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों अब तीसरा और आखिरी नुस्खा।
जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि डिप्रेशन से लोगों को नींदें भी नहीं आती हैं, माइग्रेन की समस्या से सर में दर्द बना रहता है, अक्सर इतनी टेंशन रहती है तो उस वजह से नींद भी नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा नुस्खा बताऊंगी कि आपकी नींद भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद करने के बाद अपनी पलकें खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। इसको आपको दोस्तों थोड़ा फास्ट फास्ट करना है, ऐसा आपको 1 मिनट तक करना है। ऐसा करने से आपकी को अच्छी नींद भी आएगी, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा और दोस्तों इससे सर दर्द में भी राहत मिलेगी। तो आपको मेरे ये नुस्खे कैसे लगे? अगर ऐसी वीडियोस आप लोग और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। इससे ये होगा, बेल आइकन दबाने से दोस्तों मेरा कोई भी वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नुस्खे अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।